हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक प्रताप एक मुसाफिर। चलिए आज आपको हम लेके चलेंगे जयपुर के भानगढ़। इट्स मोस्ट हॉन्टेड पैलेस इन इंडिया एंड ये जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है और जो इंडिया में जितने भी हॉन्टेड पैलेस हैं उनमें नंबर वन पे आता है, टॉप पर आता है। इस पर कई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला है। तो चलिए आपको दिखाऊंगा आज मैं इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड पैलेस पे। और आज मेरे साथ मेरा भाई भी जाएगा। बड़ी मुश्किल से तैयार किया मैंने उसको क्योंकि वो तैयार नहीं होता जल्दी से कहीं भी चलने के लिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जयपुर के इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड पैलेस पे। और ये देखिए, ये मेरा भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इतनी देर से कह रहा हूँ मैं। और ये हमारी बाइक जिस पर हम जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद रास्ते में। आप कल बताना चाहेंगे। हम आज भानगढ़ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड थी भानगढ़ की क्योंकि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस वर्ल्ड के अंदर नाम आता है इसका। इंडिया में तो नंबर वन है ही और वर्ल्ड में भी इसका मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में नंबर वन पे ही आता है। तो आज वहीं जा रहे हैं और कोशिश करेंगे वहाँ नाइट आउट करने की अगर पॉसिबल हो सकेगा तो। वैसे कार्ड अलाउ नहीं करते तो अभी तो सिटी से जा रहे हैं। ये अपनी विधानसभा जयपुर की बहुत ही शानदार बनी हुई है। बताना चाहूँगा ये जयपुर का अच्छी बस्ती वाला एरिया है। स्लम एरिया से हम जा रहे हैं अभी। एंट्रेंस माना जाता था, घाट की घोड़ी बोलते हैं इसको। जयपुर की संस्कृति आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बहुत ही शानदार लोकेशन है, चारों तरफ ये माउंटेन से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। माउंटेन्स के बीच में से होता हुआ ये रास्ता जा रहा है। लोग कहाँ से आ रहे थे जब से टनल स्टार्ट हुई है, यहाँ से फोर व्हीलर्स एंड बसेस का आना बंद हो गया है लेकिन टू व्हीलर अभी भी यहीं से जाते हैं। टू व्हीलर बैन है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे टू व्हीलर बैन है। सब जयपुर के बाहर से ही आ रहे हैं।
अभी इंडिया में टूरिस्ट में नंबर वन पे आया था जम्मू कश्मीर के साथ में। और ये जो हेलमेट है ये मेरे दोस्त दिलीप ने दिया था, ये देखिए इसके कारण मैं एक बार बच भी चुका हूँ। थैंक यू दिलीप भाई। तो ये हम पेट्रोल भरा चुके हैं और लाल मोस्ट जयपुर के बाहर हैं और ये रास्ता भानगढ़ की तरफ जा रहा है, तो चलिए चलते हैं इस रास्ते में। ये हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया है क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे हैं। ये जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ता है सीधा भानगढ़ की तरफ जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हम वापस चलेंगे, वो देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। वो देखिए उसकी क्या उससे बिल्कुल नहीं चला जा। और इधर शायद एक झील है जो दिखाई देगी, चलिए देखते हैं। झील है ये, देखिए ये देखिए कितनी बड़ी झील है, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं। और ये देखिए क्या हालत है हो रही है इसकी। एक्चुअली बरसातों में
पानी इकट्ठा होने के लिए इसको बनाया गया है। हाँ, लेकिन बरसात बहुत कम होती है यहाँ, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है यहाँ। तेरे को दिख रहा है? ये वो झील है जो कि राजस्थान की और झीलों की तरह झील है। बरसात में थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, बाकी टाइम पे खाली होती है। और वो जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं दूर, वहाँ पर भानगढ़ है, तो अभी हमको वहीं पे जाना है। तो चलिए चलते हैं। और ये वो रोड है नीचे वाली वो रोड है जहाँ पे चल के हम भानगढ़ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं गाइस, और नाइट के टाइम तो यहाँ पे विज़िट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि लाइट का आपको एक भी सोर्स नहीं मिलेगा पूरे रास्ते में। कोशिश करेंगे आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाने की, इसमें एक भी लाइट नहीं है, तो रात में तो छोड़ दीजिए यहाँ पे टूर पे आना, डे डे के लिए सफिशियंट है। चलिए अब चलते हैं आपको भानगढ़ की तरफ लेके। यहीं से लगने लग गया क्या? देखिए हम आ चुके हैं भानगढ़ किले के अंदर। और ये मंदिर है एंट्रेंस पे,
तो अभी बन ये देखिए हम भानगढ़ के परिसर में आ चुके हैं। एक्चुअली ये महल नहीं है, ये परिसर है। ये यहाँ पे पूरा मैप दिया गया है, देखिए 3D मैप है, इसको अंधे भी पढ़ सकते हैं जैसे हाथ फेर के। ये देखिए यहाँ पे किस तरह पूरा बाजार टूटा फूटा पड़ा है। ये एक्चुअली बाजार था भानगढ़ का, जो कि पूरा का पूरा खंडहर हो गया। देखिए ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है, ये देखिए ये वो चोटी है जहाँ पर तांत्रिक रहा करता था, जिसकी स्टोरी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और चलिए अभी आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा बाजार खंडहर हो चुका है, पूरा का पूरा बाजार, एक भी दुकान व्यापारी स्टोर कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ खंडहर हो चुका है। ये देखिए पूरा का पूरा मार्केट, और ये देखिए मार्केट को बनाया कितने सही तरीके से गया था, पूरा बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से बनाया गया था। ये देखिए पूरा का पूरा मार्केट, यहाँ की खास बात आप देखेंगे पूरा पूरा मार्केट आधा टूटा हुआ है, पूरा भी खंडर नहीं हुआ है। ये सालों से ऐसा का ऐसा ही है अभी तक। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये आधा का आधा पूरा मार्केट तबाह हो गया, सारे के सारे लोग यहाँ से गायब हो गए, ऐसा क्या हुआ था? एक भूत, और ये मेरा भाई लेके जा रहा है एक जगह पे, देखते हैं कौन सी जगह है, कैसी जगह। जगह नहीं देखते हैं, जबकि भानगढ़ की सबसे हॉन्टेड जगह में ये चीज मेरे को लगती है। आओ देखते हैं ये जगह, मैं भी नहीं गया हूँ एक्चुअली, हाँ मैं 3 बार चुका हूँ लेकिन गया नहीं हूँ अभी तक। तो चलो चल के देखते हैं कैसी है। 10 बजे तक स्टे करा था यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें देखी जो आपको दिखाना बाकी है। चलिए ये देखिए वो जगह है, अब देखते हैं कैसी जगह है, ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो पहली बात तो यहाँ कोई आता नहीं है, तो हॉरर तो वैसे ही होगी, यहाँ एक भी जना नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप पूरे दिन बैठे रहो। आप फोर्ट में जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। हमारे भाई साहब के हिसाब से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, तो हॉन्टेड तो वैसे ही हो गई है जगह।
ये देखिए वो जगह, ये देखिए सीढ़ियाँ जो आपको ले जाएंगी कहीं पर, ये नहीं पता कहाँ पर। चलिए अब आपको मुख्य महल की तरफ और मार्केट की तरफ लेकर चलते हैं, देखते हैं इस हॉरर महल में जाके हॉरर शूटिंग करने की कुछ। और अब चलते हैं, जैसा कि देखा अगर आप अकेले आएंगे यहाँ पर तो दिन में भी आपको डर लगेगा, और अकेले आके देखिए अगर आपको नहीं डर लगे तो मैं बता, जिस तरह से यहाँ पे हवाएं चलती हैं, जिस तरह से यहाँ से हवाओं की आवाज़ आती है, आपको डरना ही होगा, डरना जरूरी है मेरे दोस्त। देखिए काफ़ी शानदार फोर्ट है ये, अगर आप इवनिंग टाइम में यहाँ एंटर होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील नहीं होगा। काफ़ी शानदार जगह है ये, देख सकते हैं आप।
हाँ तो दोस्तों चलो अब मैं बताता हूँ आपकी इसकी स्टोरी क्या है। एक्चुअली जो पीछे मेरे वो दिखाई दे रहा वो महल, वहाँ पे रानी रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी जो कि बहुत ही सुंदर मानी जाती थी। और जो वो ऊपर दिखाई दे रहा है वो छतरी, टॉप पे एक चोटी पे एक झोपड़ी सी दिखाई दे रही है। वहाँ पे एक जादूगर रहता था, तांत्रिक रहता था जो काला जादू जानता था, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वो रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन इसी मार्केट में, ये जो मार्केट आप देख रहे हैं इसी मार्केट में, रानी रत्नावती एक इत्र खरीदने आई। तो जब राजा ने, जादूगर ने देखा कि राजकुमारी इत्र खरीदने आई है, तो उसने उस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया और उसे रानी को भिजवाया। तो जब रानी ने उस इत्र को देखा तो रानी भी जादू जानती थी और उसको पता लग गया कि इस पे एक काला जादू हुआ है। तो उसने उस इत्र की बोतल को पत्थर पर फोड़ दिया, जिससे वो पत्थर उड़कर सीधा जादूगर के ऊपर चला गया और जादूगर उसी पत्थर के नीचे दबकर मर गया। पत्थर सम्मोहित हो गए, पत्थरों को प्यार आ गया और वो जाके चटनी बना दी उसकी सिंधिया से बड़ा के छोड़ के चला गया और उस जादूगर के ऊपर गिरा जाकर, जिससे जादूगर मर गया। लेकिन मरने से पहले वो एक श्राप देके गया। जादूगर ने श्राप दिया कि इस शहर के सभी लोग यहीं रातों रात मर जाएंगे और उनको दोबारा पुनर्जन्म भी नहीं मिल पाए। हेलो भाई साहब, इधर। और जैसा कि उस जादूगर ने कहा था कि दोबारा पुनर्जन्म भी नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को, तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ एक काली परछाई दिखाई देती है यहाँ के लोगों को। और हर रात ये महल जिंदा हो जाता है, हर रात ये महल पहले की तरह वापस से रोशन हो जाता है। और यही कारण है कि ये यहाँ का हॉन्टेड पैलेस है और 5 बजे के बाद यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। तो ध्यान से देखिए इस महल को, चलिए अब आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये जो हवेली दिखाई दे रही है ये नर्तकियों की हवेली थी जो उस टाइम राजा का मनोरंजन किया करती थी। ये देखिए अब हम आ चुके हैं महल के गेट पर। एक्चुअली ये जो पीछे हम देख रहे थे वो पूरा बाजार था, मार्केट था, और ये है इसका मेन महल भानगढ़। चलिए अब आपको इसके अंदर का दिखाते हैं सीन। चलिए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ के एक मंदिर में। यहाँ के मंदिरों की खास बात बता दी जाए तो ये है कि यहाँ के मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं हैं, और जो भी है वो खंडित है, और जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सभी खंडित मूर्तियाँ हैं। ये देखिए मंदिर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा किसी ज़माने में बनाया गया था। ये देखिए मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। चमकादड़ जरूर पूरा मंदिर देखिए अभी तक वैसा का वैसा ही है जैसा किसी टाइम पर बनाया गया था इसको। और देखिए ये मूर्ति है गणेश जी की।
ये देखिए गणेश जी की मूर्ति है, इसमें देखिए हाथ कटा हुआ है, सूंड काटी हुई है, दोनों दांत टूटे हुए हैं, ये शस्त्र दोनों टूटे हुए हैं, और ये देखिए ये हाथ भी कटा हुआ है। तो पूरी तरह से खंडित है मूर्ति। इधर आइए, इधर देखिए, ये भी मूर्ति है, गाय के ऊपर बैठे हुए हैं, तो देखिए गाय के दोनों लेग्स कटे हुए हैं, मुंह पूरी तरह से खंडित है, भगवान का मुंह पूरी तरह से खंडित है और हाथ पैर कटे हुए हैं। सीते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वो रही उस काले तांत्रिक की कुटिया झोपड़ी गुंबद पे रहता था ये। चलिए और आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ये तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो अगर पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के टाइम पर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार जगह पे महल था, क्योंकि तीन तरफ से पहाड़ियाँ हैं तो तीन तरफ से कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक तरफ से है जहाँ पर वो अपनी सेना रखते थे, तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो ये अब तक महल सबसे सुरक्षित महल होता, क्योंकि यहाँ पर हमला करना बिल्कुल भी असंभव है सिर्फ एक जगह एक रास्ते के अलावा। और कभी भी ये पुराने ज़माने में माना जाता था कि अगर जिस महल पर आक्रमण करने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो वहाँ पर आक्रमण करना सबसे मुश्किल माना जाता था। ये देखिए कितना शानदार महल होगा जब ये अपने पूर्ण स्वरूप में होगा। ये जो महल है ये पहले 5 मंजिल का होता था, अगर आप हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और 2 ही मंजिल बची है इसकी, वो भी टूटी हुई है ऊपर की मंजिल। चलिए अब आपको लेके चलते हैं महल के अंदर। ये देखिए अब मुख्य महल स्टार्ट हो चुका है इसका। और महल पर जा रहे हैं हम, काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ाई पे बना हुआ है तो गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है यहाँ पर। ये देखिए महल, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत चढ़ाई है, पीछे की तरफ ढलान देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये देखिए मानसून वेदर में ही आना, अगर आप ठंड में आएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, बरसात के बाद जो ठंड आती है। ठाकुर दगियो, ये देखिए बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी दम लगाना पड़ रहा है। अभी हवा चल रही है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। ये देखिए उसको कुछ मिल गया है, मेरे भाई को, वो कोशिश कर रहा है वहाँ जानने की क्या है। ये कोई सुरंग है जो पता नहीं कहाँ जा रही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। पहले देख लेते हैं क्या है, कहीं बंद कमरा तो नहीं है। बंद ही है लेकिन काफी बड़ा कमरा है,
तो ऐसे काफी तहखाने मिलेंगे और बोला जाता है इसमें खजाना है, तो खजाना ढूंढने ही आए हम, शायद मिल जाए। चलो ये देखिए ऊपर से महल कैसा दिखाई दे रहा है। अभी हम टॉप पर नहीं पहुंचे हैं, ये वो रास्ता है जहां से हम आए थे। और ये महल में जाने के लिए एक और दरवाजा। चलिए तो आपको और अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए बैठ गया थक के, इसके बिल्कुल बस की नहीं है। ये देखिए ये है मुख्य महल। आपको ले चलते हैं जन्नत में। और भी ज़्यादा देखने के लिए चलिए चलते हैं। और वो देखिए तो स्वागत है आपका भूतों के हवेली। ये देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं, एक साथ इतने सारे चमगादड़। छेड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए नीचे तक है और सामने गुफा का रास्ता है। इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे हम कि उस गुफा में जाए। ये चमगादड़ देख लिए वही सफिशियंट है। तो आप सोच सकते हैं दिन में इतना खतरनाक सीन है तो रात में कैसा होगा। जान से ज्यादा तो यहीं पर ही है। देखा खतरनाक दृश्य, और इन चमगादड़ को छेड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और चलिए इधर से देखिए आप, ये शायद बाद में लगाए गए हैं, काफी मजबूत गेट है, सिर्फ इसको सनी देओल ही तोड़ सकता है। ये महल के एंट्रेंस। और ये देखिए हम आ चुके हैं इसकी टॉप पर, जो कि पूरी तरह खंडित है, पूरी तरह खंडर में बदल चुकी है। ये देखिए अभी भी टूटे फूटे पत्थर सब कुछ यहाँ पड़े हुए हैं बिल्कुल वैसे की वैसे। ये देखिए ये है पूरा महल।
और ये है वो तांत्रिक की कुटिया। देखिए वो ऐसी जगह पे रहता था जहाँ से पूरे महल पे नज़र रखी जा सके। ये देखिए यही है वो महल, टूटा हुआ और खंडर महल। चलिए और इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए हाईएस्ट पैलेस है, बस इससे आगे महल ही नहीं है, पूरा का पूरा टूटा हुआ। चलो वहां से सीन दिखाते हैं कैसा दिखता होगा। ये देखिए यहाँ से सीन, अभी इसको आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से महल कैसा लग रहा है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ का एक मंदिर जो शिव जी का मंदिर है, इस मंदिर में आपको मूर्ति मिलेगी। और यहाँ पे नहाना बिल्कुल मना है, सख्त मना किया गया है क्योंकि कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर, कई लोग मर चुके हैं डूब कर, तो इस कारण यहाँ पे मना किया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा महल टाइप है, महल के पास में ही। और यहाँ पर एक चीज़ मिली है और इसकी हालत देख के तो लगता है कि ये रोज़ चलती है, जिस हिसाब से ये बिल्कुल ताज़ा है। रुकिए मैं कोशिश करता हूँ इसको चलाने की, जो कि इंसानों के तो ये देखिए वो कोशिश कर रहा है चलाने की। देखिए अब मैं भी कोशिश करता हूँ। उल्टी चलेगी ये, सीधी नहीं चलती। जटा कटाघ संभ्रमिलिंप निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। और ये जंगल के बीचों बीच में काफी अच्छा सीन है, इधर हम दिखाना चाहेंगे। इधर पानी भरा हुआ है जो कि जानवरों के पीने लायक है, और बरसात के दिनों में पानी बहता है बिल्कुल नदी की तरह।
बिल्कुल साफ पानी बहता है, तो बरसात में आएंगे तो आपको बिल्कुल पिकनिक स्पॉट का नज़ारा मिलेगा यहाँ पर। लेकिन सिर्फ दिन में ही आना दोस्तों, रात को यहाँ अंदर आने भी नहीं देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक कुआं मिला है, उसमें से ये पानी निकाल रहा है, देखते हैं कैसा पानी निकलेगा। और ये देखिए पानी तो निकला है इसमें से, और पानी दिखने में भी दिखाना पानी है भी बिल्कुल साफ। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है वो कुआं, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पानी है इसमें। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुंह धोकर काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, और पानी पी भी सकते हैं, अच्छा पानी। अगर ये मेरा आखिरी वीडियो हुआ तो पानी मत पीना भाइयों। देखिए इसका रास्ता बताते हैं, ये जो महल की एंट्रेंस है इसके बगल में से आप आ जाइएगा लेफ्ट साइड, अंदर मत एंटर होइएगा, तो यहाँ पे आपको आते ही ये कुआ मिल जाएगा। और अभी तक मैं बिल्कुल सही हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा हमारे साथ घूमने में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन आता है, जिसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। और कोई भी सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नई जगह नई लोकेशन के साथ, आपका लोक प्रताप एक मुसाफिर। बाय दोस्तों। Oh,